महाराज ने कहा, अजीत सिंह तेरे नाल में अठा सिंघां दा जथा तैयार कीता है और अठा वास्ते घोड़े जाणगे। भाई मोहकम सिंह, भाई ईश्वर सिंह, भाई देवा सिंह, भाई मोहर सिंह, भाई नंद सिंह, भाई लाल सिंह ते भाई केसरा सिंह, इन अठा सिंघां दा जथा तैयार कीता गया। महाराज जी आशीर्वाद लेके सूर में सोध के अरदासा निकले हवेली चो। जिवें भेडां दे वग विच शेर जा वरदा है, ऐ दुश्मन दल उते टुट के पै गए। एक वारी रौला पै गया, गुरु साहब आ गए, गुरु साहब आ गए, क्योंकि महाराज वर्गा चेहरा ओहो जिहा कद काठ, ओहो जी कलगी, ओहो जिहा बाणा, भुलेखा पै गया दुश्मनां नूं। पर जिहड़ा वजीर खान सी ना सरहंद दा सूबा, ओह गुरु महाराज नूं पछाणदा सी। इहने दूरों दूर भी ला के वेख्या, कहिंदा ओए गुरु नहीं गुरु दा पुत्तर, जे तगड़ा के फड़ लो नस के किते जाणे, दिल्ली बड़ी दूर ढेर के लियांदी फौज ने। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह जी सिख पंथ दे बड़े विद्वान होए ने, उन्हें एक ग्रंथ लिखिया पंथ प्रकाश। पंथ प्रकाश विच एक सवैया लिखदे ने साहिब दादा अजीत सिंह जी चढ़, ओह कहिंदे ने गुर बालक बालक रूप रूप नूं अंगन पेख आनंद सो लागे। अजीत सिंह तलवार चलाए करता ब्रिज भाषा दी, कलम ज्ञानी ज्ञान सिंह जी चढ़त साहिब दादा अजीत सिंह जी, गुर बालक बालक रूप रूप नूं अंगन पेख आनंद सो लागे। अत छैल छबीले छके छक छुंगन छोप छका छतरी छत छाजे, रख कारक खालक मालक सिंह और गालक पालक हिंदन लाजे, जन कंदर अंदर के निकसे मरगन दिन हार गिदिन समाजे। शायर कहते मौज में जाके कविता दिया दो लाइना लिख देवे, मुर्दिया च जिंदगी पा देगा। और माफ करना, कविता लिखनी बड़ी दुर्लभी है, हर बंदा कविता नहीं लिख सकता। एक कुंजी है महाकाव, महाकाव लिखी है भाई से भाई वीर सिंह ने पद्म भूषण ने, महाकाव्य लिखी है शिव कुमार बटालवी ने, अवतार सिंह आजाद ने, मोहन सिंह माहिर ने, गुरदित सिंह कुंदन ते कुछ होर कवि तजर्बे कर रहे ने। एक हुंदी है स्टेजी कविता, विधाता सिंह तीर, गुरदेव सिंह मान, नंद लाल नूरपुरी, प्रीतम सिंह कासद, ये साडे स्टेजी कवि ने। अजकल कवतू निकले है, अजी कॉन्फ्रेंस विच गए ते मुंडे ने तुरला छड़िया, चादरा लाया, गल च तवीतरियां पाईयां, ते सैकटरी साहब दे कोल आके बह गया। आखे सैकटरी जी मैनूं वी टाइम दिओ। मैं कहा मुंडा जी पढ़िया लिखे ही लगता है, उन्हूं टाइम ते मिल गया। उठदियां दे नाल ही कहिंदा छपरी दे कंडे उत्ते डड्डू मारिया ते धन बाबा नानक जी ने जग तारिया। मैं कहा इहदे माणे इह वी कविता ही। उहदे नाल दा कहिंदा ऊकड़ी ते बैठे होए सी तिन सिंघ जी ते लगा जदों पार डाची पहिए रिंग जी। दसो जिहड़ी ऊकड़ी उत्ते बारह मण पके तिन सिंघ बहि गए, पर ऊकड़ी विचारी ने शब्द पढ़ने सी, उहनूं भार लगदा हो रिंग जी होई नहीं, इहनूं वी कविता ही कहिंदे ने। ਵਲਿਆ ਕਵੀਓ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਨੰਦਨ ਕੇ ਅਭਿਮੰਦਨ ਕੇ ਪਤਜੇ ਅਰਬਿੰਦੂ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, हर गोविंद नंदन नंदन के अब वंदन के पदजे अर बिंदु, दुख दुंदन कंदन आनंद कंद मो कंद बुलंद किए जिन हिंदू। पर केंद्र ओजेंद जनेंद जना गुरु गोविंद सिंह सभा जग बिंदु, सरपेंद गरेंद खगेंद तुलु बलवंद अखंड चुलिंद इंदु। ए है कविता, ए को कविता थोड़ी मार के ते गोडा भन दित्ती धौन जी टाए वाला करता सिंगल डाउन जी। लेओ जी कविता सवेर तो शाम तक मैं पढ़ी जाने हैं। एक मुंडे ने कविता पढ़ी, खेतों में चार दिया तीन कटिया असी जगे नदियां पूछो पट्टिया। मैं कहा तुसी बहुत बहादुरी की थी। आ तक वेखो पंजाबी का कवि कहिंदा भी खिची वीर अजीत सिंह
ਉਹ ਰਾਤ ਪੀਣੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੰਡੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਵੰਡੀ ਉਹ ਸੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਚੀਰਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਢੀ ਉਹ ਸੌਦੇ ਕਰਦੀ ਸ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਭਈ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਜਿਸਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਘੱਲਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਰੰਡੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਭੰਡੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੀ ਵਰਤੀ ਹੰਡੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਠਿਲਮਰਾ ਸਰਗਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾੜਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ